हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना जो कि होगा क्लास नाइन्थ के लिए। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि अगर आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट किए तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है, आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर डेली बेसिस पे हर दिन आप लोगों को नई नई पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं तो इस पाठ्य योजना के अलावा आपके पास कोई भी पाठ्य योजना लिखा हुआ है उसकी फ़ोटो खींचिए, सामने दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे उसको मैसेज कीजिए, फ़ोटो को खींच के, सही से फ़ोटो रहनी चाहिए, उस फ़ोटो को व्हाट्सएप करिए या फिर मेल आईडी पे भी आप सेंड कर सकते हैं। दोनों सुविधाएँ आपके, आपको जहाँ पर अच्छी लगे वहाँ पर भेजिएगा। जिसकी पाठ्य योजना सबसे अच्छी हुई उस मंथ में उसको 25 तारीख को एक इनाम दिया जाएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से, और ये हर मंथ चलेगा। जिस मंथ में आप भेजेंगे उस मंथ में आपको इनाम मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे बीचों बीच आपको इस तरीके से देखिए लिखा गया पाठ्य योजना संख्या दो, इस तरीके से आपकी जो भी संख्या होगी उसको इस तरीके से लिख दीजिएगा, पाठ्य योजना संख्या एक दो तीन चार जो भी होगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। ये चीज़ आपके कॉलेज वाले बताएंगे आपको कि विद्यालय का क्या नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक नाम लिखा गया है, लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इस तरीके से कॉलम बनाना जिसमें दिनांक लिखना है, किस डेट पर, यानी आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है नाइन्थ, वर्ग है अ, विषय है अर्थशास्त्र का, कालांश है यहाँ पे तृतीय देखिए लिखा गया थर्ड, और अवधि है 40 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण हमारा है आज का मुद्रा व उसके प्रकार। प्रकरण लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग यहाँ पे लिखनी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के आगे देखिए लिखा गया पूर्ववत। इसके पहले मैंने अभी दो दिन पहले एक पाठ्य योजना डाली थी, ठीक है, बैंक कार्ड के नाम से, उसमें मैंने सामान्य उद्देश्य यहाँ पे 5 पॉइंट लिख के दिखाया है। तो पूर्ववत का मतलब होता है पहले आप कोई पाठ्य योजना बना चुके हैं इसी विषय का, इसके ऊपर आप फिर से पाठ्य योजना बना रहे हैं सेम विषय, जैसे अर्थशास्त्र का मैंने उस दिन बताया था, तो आज फिर हम अर्थशास्त्र का बना रहे हैं। तो सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होगा, आपका विषय के अनुसार चेंज होता है। अगर आपका सेम विषय है तो वो चेंज नहीं होता, कि विषय आपका जैसे अर्थशास्त्र है इस पॉइंट के अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने से बच्चे में क्या क्या विकास करना चाहते हैं, तो आप उसको एक बार पहले लिख चुके हैं कि हम अर्थशास्त्र पढ़ाने के हमारा उद्देश्य यही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका जाएगा लिखने के लिए। आपको अगर मन करे तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं 5 पॉइंट, नहीं लिखना है मैं तो सजेस्ट करूँगा मत लिखिए, पूर्ववत लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। उसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना होगा क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा के, मुद्रा व उसके प्रकार, उस दिन हमारा टॉपिक था बैंक कार्ड, तो अलग अलग टॉपिक है तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य में, पहला पॉइंट है धातु मुद्रा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे बच्चे। दूसरा है पॉइंट धातु मुद्रा के प्रकार को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य, इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र मुद्रा को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मुद्रा के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र मुद्रा के प्रकार एवं अन्य प्रकार के अंतर कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र मुद्रा के प्रकारों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग आती है यहाँ पे आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिस भी सामग्री की आप सहायता लेंगे 30 मिनट की क्लास में, 40 मिनट की क्लास में, जो भी आपकी टाइमिंग होगी, जो भी चीज़ आप सहायता के लिए यूज करेंगे, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट हो गया, बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है चौक, चार्ट, डस्टर, श्यामपट आदि। काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर चार्ट पे क्या बनाया जाए टॉपिक के अनुसार, तो यहाँ पर आप मुद्रा व उसके प्रकार का फिगर वहाँ पर चार्ट पे बना सकते हैं लिखित रूप में। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र मुद्रा के अर्थ व प्रकार के में अधिक रूप से जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है अब आपका लेसन प्लान का प्रस्तावना, प्रश्न या फिर पाठ प्रस्तावना इसको कहते हैं। इसको तीन कॉलम में डिवाइड करना होता है, जो मेन इसका स्ट्रक्चर होता है वो तीन कॉलम में डिवाइड होता है। पहला है यहाँ पर क्रम संख्या, दूसरा यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएँ, और तीसरा छात्र क्रियाएँ। लड़की हैं तो छात्राध्यापक क्रिया की जगह छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। बस कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है हम अपने वस्तु कहाँ से खरीदते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बाजार से।
वस्तु किस माध्यम से खरीदते हैं? बाजार से। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे बाजार आया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाजार से वस्तु किस माध्यम से खरीदते हैं, तो बच्चे बोलेंगे रुपया देकर। फिर तीसरा प्रश्न देखिए बन रहा है रुपया से। रुपया जैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे मुद्रा कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, क्योंकि उनको नॉर्मल नॉलेज है अर्थशास्त्र के बारे में, मुद्रा के बारे में। चौथा प्रश्न फिर बनेगा मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको प्रकारों के बारे में अभी डिटेल में नहीं पता है। बताने की कोशिश भी करेंगे लेकिन हो सकता है कि डिटेल में ना बता पाएँ। तो समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आपका अपना उद्देश्य कथन बोलना। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पर बोला गया है, छात्रों आज हम मुद्रा व मुद्रा के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों को पता चल चुका है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। आपने अपना उद्देश्य यहाँ पे बोल दिया कि अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, मुद्रा व मुद्रा के प्रकार के बारे में, तो बच्चों को पता चल गया है। तो आप उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं हेडिंग आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। अगर आपको सिर्फ प्रस्तुतिकरण लिखना है तो प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हैं। इसको टोटल यहाँ पे देखिए चार कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, छात्र क्रिया और श्यामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए लिखा गया है, जब आप बाजार प्रश्न पूछा गया है इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, हेडिंग डाल लीजिएगा विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद पहला प्रश्न पूछेगा, जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे वस्तु के बदले आप दुकानदार को क्या देते हैं, तो बच्चे बोलेंगे रुपया पैसा, ऐसे कुछ आंसर आएगा। फिर दूसरा प्रश्न आप बने पूछेंगे, रुपया पैसा को आर्थिक अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे मुद्रा। फिर तीसरा प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे मुद्रा कितने प्रकार की होती है, ये तो पता है कि नहीं बता पाएंगे सही से। तो समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा आप अपना शिक्षण बिंदु में पहला हेडिंग डालिए मुद्रा का अर्थ व प्रकार, तो स्पष्टीकरण देंगे। छात्राध्यापक वाले कॉलम में मुद्रा वह है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। मुद्रा तीन प्रकार का होता है, पहला है धातु मुद्रा, दूसरा है पत्र मुद्रा, तीसरा है साख मुद्रा। छात्र वाले कॉलम में लिखना है छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसके आगे देखिए धातु मुद्रा के बारे में बताया गया है, जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती, जैसे आपने देखे होंगे एक रुपए के सिक्के, जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं, जैसे सोना चांदी तांबा व पीतल के सिक्के धातु मुद्रा के श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका टंकन सरकार द्वारा टकसाल से होता है, यह दो प्रकार का होता है। इसके सामने देखिए लिखा गया छात्र वाले कॉलम में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता तो देखिए श्यामपट पे लिखा गया मुद्रा के प्रकार धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, और यहाँ पे देखिए लिखा गया तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे साख मुद्रा। इसको साख ध्यान से, साख है लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पहला यहाँ पे धातु मुद्रा वाले में सांकेतिक सिक्के, पैसे से रुपये तक सभी सिक्के सस्ती धातु के बने होते हैं। इन सिक्कों का अंकित मूल्य उनकी धातु के मूल्य से अधिक होता है। यह सिक्के सांकेतिक या प्रतीक सिक्के कहलाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक दो रुपए के जो सिक्के आते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्रमाणिक सिक्के, पुराने समय में सोना चांदी के यहाँ पे सिक्के प्रचलित थे जिनका अंकित मूल्य तथा धातु मूल्य बराबर या यही देश का प्रमाणिक सिक्के का या प्रधान कहलाते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखिए जो अंकित मूल्य वो धातु मुद्रे के अंकित मूल्य जो है वो जो धातु की प्राइस है वो बराबर ही हो। कभी कभी होता है कि सोने के सिक्के जो होते हैं वो महंगे भी होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे पदार्थ होते हैं धातु में। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। फिर से पहला है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, धातु मुद्रा किसे कहते हैं, बच्चे बोलेंगे जब मुद्रा किसी धातु की बनी होती है। दूसरा प्रश्न है धातु मुद्रा के कौन कौन से दो प्रकार हैं, बच्चे बोलेंगे सांकेतिक व प्रमाणिक। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे पत्र मुद्रा से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप अगली शिक्षण बिंदु लिखिए पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पे, पत्र मुद्रा से आशय उन कागजी नोटों से है जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अतः पत्र मुद्रा का मूल्य केवल सरकार साख पर निर्भर करता है। पत्र मुद्रा के अंतर्गत एक से लेकर 1000 रुपये तक के नोट हैं। यहाँ पे 1000 की जगह पे आप 2000 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2000 की भी आपको नोट देखने को मिलती है, तो 2000 कर लीजिएगा नोट प्रचलित है। छात्र वाले काल में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जब पत्र मुद्रा के पीछे 100% बहुमूल्य यहाँ पे धातु का कोप रखा जाता है तब उसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा के यहाँ पे प्रकार देखिए लिखा गया है, यहाँ पे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा परिवर्तनशील, तीसरा है अपरिवर्तनशील, चौथा है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, जब पत्र मुद्रा बहुमूल्य धातुओं से परिवर्तनशील होती है उसे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। तीसरा है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, यह पत्र मुद्रा किसी बहुमूल्य धातु से परिवर्तित नहीं होती है। चौथा है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, चौथा यह मुद्रा संकटकालीन परिस्थितियों में यहाँ पे निर्गमित की जाती है।
विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए। पहला प्रश्न है, जो मुद्रा कागज की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी मुद्रा कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र मुद्रा किसके द्वारा निर्गमित की जाती है? बच्चे बोलेंगे सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, साख मुद्रा किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक होगा आप अपना अगला शिक्षण बिंदु लीजिए, साख मुद्रा स्पष्टीकरण दीजिए। साख मुद्रा मुद्रा का तीसरा प्रकार है। साख मुद्रा मुद्रा का वह भाग है जो मुद्रा का प्रचलन सिर्फ व्यक्ति या यहाँ पे संख्या की साख पर निर्भर करता है। साख मुद्रा चार प्रकार की होती है, पहला चेक, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा हुंडी, चौथा विनिमय बिल। साख मुद्रा के यहाँ पे प्रकार लिख दीजिए श्यामपट पे, चेक, ड्राफ्ट, ठीक, हुंडी और विनिमय बिल। अतः साख मुद्रा के अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट, हुंडी यहाँ पे तथा विनिमय बिल सम्मिलित है। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछ लीजिए, साख मुद्रा किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे साख मुद्रा यहाँ पे का वह भाग, मुद्रा का वह भाग है जिसे मुद्रा का प्रचलन व्यक्ति या संख्या संस्था की यहाँ पे साख पर निर्भर करता है। दूसरा है, साख मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे चार प्रकार के। तो तीसरा प्रश्न बनेगा, साख मुद्रा के कौन कौन से चार प्रकार हैं? बच्चे बोलेंगे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी और विनिमय बिल। चौथा प्रश्न है, साख मुद्रा का प्रचलन किस पर निर्भर करता होता है? तो साख मुद्रा का प्रचलन व्यक्ति व संस्था पर निर्भर होता है। पांचवा प्रश्न है, चेक और विनिमय बिल के अंतर्गत साख मुद्रा के अंतर्गत कौन सी मुद्रा आती है? तो बच्चे बोलेंगे इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट व हुंडी आती है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। निरीक्षण कार्य फिर आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट सारांश लिखने के बाद कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर और सामूहिक समस्याओं को श्यामपट पर लिखकर दूर किया जाएगा। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न या फिर मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पे, धातु मुद्रा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, धातु मुद्रा का टंकन सिक्के किसके द्वारा होता है? तीसरा प्रश्न है, कौन सी मुद्रा संकटकालीन परिस्थितियों में निर्गमित की जाती है? चौथा प्रश्न है, पत्र मुद्रा का मूल्यांकन या फिर मूल्य किस पर निर्भर करता है? पाँचवा प्रश्न है, एक पैसे से लेकर एक रुपया तक सिक्का किस धातु के सिक्के बने होते हैं? छठवां प्रश्न है, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा से आप क्या समझते हैं? सातवां प्रश्न है, चेक व ड्राफ्ट किस मुद्रा के अंतर्गत आते हैं? अब यहाँ पे सात प्रश्न पूछा गया, जाहिर जरूरी नहीं कि आप सात प्रश्न पूछें, दो से तीन चार प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अगर सात प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। अब लास्ट हेडिंग आती है लेसन प्लान की, गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए लिखा गया है, मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को याद करके और अपनी कॉपी में लिख कर लाना है, जिससे बच्चे जाएँ तो आपके दिए पढ़ाए गए चीज़ों को वो रिवाइज करें घर पर। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा दिए और घर पर जाके बच्चे कोई भी चीज़ उस चैप्टर का ना पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो आपके पढ़ाए गए चीज़ों को पढ़ाना आपका व्यर्थ हो जाएगा, उनको याद नहीं होगा अच्छे से, रिवाइज नहीं करेंगे तो उनको ऐसा कार्य दीजिए जिससे उस पूरे चैप्टर को वो रिवाइज कर सकें घर पर जाके। और लास्ट में है सुझाव और आलोचना। यहाँ पर आपका जो शिक्षक होगा, पर्यवेक्षक होगा, वो यहाँ पर सुझाव देगा, आलोचना करेगा आपकी कि क्या आपने अच्छा किया है, क्या गलत तरीके से आपने यहाँ पर पाठ्य योजना में किया है। और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ा है, तो अगर आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी इस चैप्टर इस पाठ्य योजना को, तो मेरे द्वारा जो बोला गया उसको सुन लीजिएगा, आराम से आप लिख लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे डेली बेसिस पे पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की वीडियो इसीलिए आती है कि जिससे मैं आप लोगों की सहायता कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।